हेलो दोस्तों दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मानव नेत्र के किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टि पटल। जी हाँ दोस्तों, रेटिना या दृष्टि पटल। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर दो है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसी बात पर एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आए हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर तीन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। जी हाँ दोस्तों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस प्रश्न को, निकट दृष्टि दोष होता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर चार है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाइयों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर पांच है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट से देख पाता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को देख पाता है, स्पष्ट रूप से देख पाता है, उस नेत्र में क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। जी हाँ दोस्तों, दूर दृष्टि दोष होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर चार है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है। तो याद रखिएगा, वो रंग बैगनी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर सात है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समझन क्षमता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर आठ है, जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइफोकल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर नौ है, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट दूर तथा बिंदु क्रमशः होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ठीक है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर दस देखते हैं। तो प्रश्न नंबर दस है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस फोकस दूरी परिवर्तित होती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।